तो लाइक आप टोमेटो एंड मैंगो के अलावा और किस चीज़ से लेदर बनाते हो हम लोग ने एलोवेरा से बनाया है हम लोग ने फ्लावर्स से भी जो वेस्ट फ्लावर्स हो जाते हैं हम सस्टेनेबल बना रहे या हम बायोडिग्रेडेबल है इट्स बेटर फॉर द एनवायरनमेंट बट एट द एंड ऑफ द डे डेट इज प्लास्टिक अराउंड द पेपर क्लब एज वेल आप जैसे अभी आपका मेन ऑफिस मुंबई में एंड आपका प्रोडक्शन सूरत में सो व्हाई डिड यू फोकस ऑन सूरत क्या अगर आपको फैक्ट्री डालना है तो गुजरात से बेटर स्टेट एज ऑफ राइट नाउ इंडिया में है नहीं आप सस्टेनेबल लाओ वो अच्छा हो गया लेकिन उसके साथ आपको सस्ता भी लाना इम्पोर्टेंट है, है अगर आप सस्ता नहीं लाओगे अच्छा लाओगे तो लोग पैसे नहीं देंगे हमेशा एक चीज रूल है उसका कि शिपिंग प्राइस प्राइस नॉट बी देन द द प्रोडक्ट एट एंड ऑफ डे अगर आप चाइना का देखते हो तो चाइना इज कंसिडर्ड मर्की इज नो ट्रांसपेरेंसी इन चाइना वो बोलेंगे आपको कुछ एक चीज और देंगे कुछ एक चीज वन वन प्रोडक्ट भेजना बेटर रहेगा कि अमेजोन एफ या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू जब आप स्केल कर रहे हो तो हमेशा थ्री पी एल इज दलो एवरी वन माई नेम इज़ निखिल प्रसाद जैसा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से जानती होंगे बिकॉज आई हैव अ चैनल कॉल्ड क्यूरियस इन्फ़ी सो आज से हम लोग यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे इन दॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट चैनल विद द सेम नेम दैट इज़ क्यूरियस इन्फी एंड अवर पॉडकास्ट नेम विल भी लाइक इनसाइट्स विद निखिल जहाँ पे मैं होस्ट करने वाला हूँ एज अ मल्टीपल गेस्ट को जो कि मोस्टली बिजनेस बैकग्राउंड स्टार्टअप वर्ल्ड से आएंगे एंड लाइक दे विल बी अर टॉप इंडस्ट्रियालिस्ट जो हमें बताएंगे मल्टीपल इंसाइट्स अबाउट हाउ दी बिजनेस वर्कस हाउ दी फंडिंग कल्चर वर्कस एंड एवरीथिंग और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रीतेश मिस्त्री जो कि फाउंडर है बायो लेदर के इनका स्टार्टअप बायो लेदर बना रहा है वो भी टमाटर एंड मैंगो से सो so, ये सुनने में जितना वियर्ड है उतने ज़्यादा इनकी जर्नी इंटरेस्टिंग है सो so, आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी जैसे कि एक्सपोर्ट कैसे होता है देन इंडिया का प, प, परचेसिंग माइंड सेट क्या है लोगों का माइंड सेट क्या है देन थर्ड इज़ कि यार सस्टेनेबिलिटी में इंडिया कैसे ग्रो करने वाला है सो देर आर सो मच थिंग्स इंसाइटफुल थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट सो बने रही है एंड फॉर मोर पॉडकास्ट लाइक दिस जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बी क्यूरियस ऑलवेज सो प्रीतेश भाई आप मुझे पहले ये तो बताइए कि लाइक like, कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी लाइक हाउ दिस क्रेजी आइडिया कम टू यू इन द कॉलेज और आफ्टर द कॉलेज एंड हाउ यू मैनेज टू स्टार्ट इट एंड प्रोपरली एग्जीक्यूट इट या सो हम लोग ने चालू किया था कॉलेज डेज में एज अ थर्ड ईयर एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वी वॉन्टेड टू मेक समथिंग दैट इज सस्टेनेबल एंड वी आर ऑलरेडी टॉकिंग फॉर वी आर ऑलरेडी गोइंग फॉर लेदर एंड सींग एज अ लेदर बहुत वेस्ट है लेदर इट्स सेल्फ इज अ वेरी सीओ टू एमिटिंग और फिर जो एनिमल्स को भी मारते थे वी आर नॉट वेरी फाइन विदिमल्स आर किल्ड फॉर प्रोडक्शन सो वी थॉट दैट देर शुड बी अ बेटर वे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम सो हम लोग ने एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम लोग ने चालू किया कि लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट हाउ टू गेट दिस प्रॉब्लम एट एंड गेट अ सोल्यूशन फॉर एट सो वी स्टार्ट विद दैट And uh, we moved across it. So we started in two thousand and nineteen. Our previous, our preliminary leather products were not quite good, as everybody happens. Yeah, initial <laughs> and, product MVP is always. Yeah, yeah. So we tried a different different strategies about it, and different um, different strategies, different textures, different uh, methodologies, and we came across this whole plant-based thing. Uh, we had also visited farm during that particular process, and we found that there's also like post-harvest loss, lots of harvesting. a uh, lot of plants and fruits at the end of the day goes to waste. and we thought like maybe we should also incorporate that when we are trying to invent something new. so i'm looking over here, and then we ran with it, actually. And in 2019, we started our first pilot program where we were able to produce about 100-200 meters of material. That was quite good. Or there was pandemic in So we had to stop every productions that we were doing uh, for basically two years. We restarted it by 2021, uh, in the end of 2021. And now we are at the stage that we are making uh, thousands of meters every month. Uh, that sounds crazy. सो so, चलिए हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि लाइक जैसे अभी मतलब पहले तो आप इंजीनियरिंग में थे कि लाइक हाउ यू आर इन एग्रीकल्चर फील्ड और वॉट सो आई डिड माई बैचलर्स इन बायो टेक्नोलॉजी ओ दैट्स ग्रेट दैट्स वाई लाइक कि आपको आइडिया आया कि भाई लेदर yeah. बनाना है तो कुछ हटके बनाओ जो रेगुलर ना हो एंड एनुअल क्रियल्टी इज दी मेजर वॉट यू कैन से डिसडवाटेज इन दिस इंडस्ट्री सो लाइक अभी लेदर तो मतलब मैंने जहाँ तक सुना था बेस्ट मटेरियल एज ऑफ नाउ इन इंडिया इज लाइक बनाना फाइबर दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग तो लाइक जैसे अभी इंडिया में बनाना प्रोडक्शन इज़ वे मोर लाइक इट इज़ ऑन दी नंबर वन सो लाइक हाउ लाइक वाई यू डोंट स्विच टू बनाना फाइबर एज रॉ मटेरियल एंड टू अदर लाइक फॉर द टोमेटो एंड मैंगो एंड ऑल दिंग्स वेरी गुड क्वेश्चन हम लोगों ने कॉलेज में चालू किया था और वे हम लोगों ने फार्म सुसाइड किए थे अक्रॉस महाराष्ट्र एंड हमें यह पता चला था कि जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कोई भी चीज़ उगाते हैं तो ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ़ फ़्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट में न चले जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या हो जाता है कि द वेस्ट प्रोडक्ट इज़ कु एनी थिंग वो कुछ किसी की कुछ भी चीज़ की वजह से हो सकता है वो मे बी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो आ, गया या फिर कोल्ड स्टोरेज हो गया कुछ भी कोल्ड स्टोरेज हो गया yeah. या फिर आप बोल सकते हो कि वो दिखने में अच्छा नहीं है कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है तभी भी वो रिजेक्ट हो जाता है और समझे वो पक्का नहीं है या फिर टेस्ट फ्लेवर कुछ भी ऐसा चीज़ में वो रिजेक्ट हो जाता है और आप सोचो कि कोई फार्मर कर रहा है सौ किलो प्रोडक्शन प्रडु, किया या एक क्विंटल उसने प्रोडक्शन किया हुआ है फ़ॉर एग्जांपल टमाटो या कोई भी एक वेजिटेबल ले लो और उसमें से आप ये सोचो कि तीस किलो कम्प्लीटली वेस्ट चला जाता है तो फार्मर्स के लिए वो लॉस्ट इनकम हो गई है उनके लिए बहुत इशू हो जाता है एक चीज़ में और ये चीज़ बढ़ जाती है जब हम लोग कॉस्मेटिक um, फ्रूट्स की तरफ जाते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगोज़ वगैरह तो मैंगोज़ भी एक हम इंडिया एज अ मैंगोज एज अर वी आर लाइक आई थिंक सो इन द वर्ल्ड वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर एज वेल एज ऑफ जो मैंगोस बट उसका भी कॉस्मेटिक फ्रूट है अगर आप समझे आप मार्केट में मैंगो खरीदने जाते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा भी ब्लेमिश हुआ या फिर दाग हुआ तो आप नहीं लेते हो बिल्कुल तो आप सोचिए कि जब भी फार्मर बनाता है झाड़ पे तो वो वो तो नहीं कर पाता है कि भाई ब्लेमिश ना हो चिड़िया ने ऐसा काटा नहीं या फिर ये नहीं कोई इंसेक्ट्स नहीं आ रहा है उसके अंदर वो कितना भी ट्राई कर ले द एंड ऑफ द डे उसे कहीं ना कहीं पर इशू आता ही है तो अगर आप देखो मैंगोज़ में भी फोटी फाइव परसेंट ऑफ मैंगोज़ वेस्ट चला जाता है oh. और ये सारे कॉस्मेटिक फ्रूट्स की बात है नॉट इवन मैंगोज़ एनी अदर कॉस्मेटिक फ्रूट हैज़ दस इशू सो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि क्या हम ये इट्स नोन एज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तो क्या हम ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? और वहीं से ही हमारा दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना हम इसका लेदर बनाया जाए क्योंकि लेदर भी एक एनिमल प्रोडक्ट है और क्या हम लेदर बना सकते हैं प्लांट से या नहीं <laughs> तो लाइक आप टोमेटो एंड मैंगो के अलावा और किस चीज़ से लेदर बनाते हो हम लोग अभी प्रोसेस में हम लोग ने बीटरूट से बनाया पटेटो से बनाया हम oh. लोग ने एलोवेरा से, <laughs> से बनाया है हम लोग ने फ्लावर्स से भी जो वेस्ट फ्लावर्स हो जाते हैं आई थिंक सो दैट्स एवरीबडी नोज अबाउट कि फ्लावर्स हो गए उससे हम लोग जह, जहाँ जहाँ से भी हमें पाउडर मिल सके कोई भी चीज़ का वी कैन मेक लेदर आउट ऑफ इट तो लाइक फाइबर इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट रहता है कि जिससे हम लोग लेदर बना सकते हैं कि जो किसी भी प्लांट में रहता है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इट ऑलवेज डिपेंड्स अपन ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर कि आप ये कौन सा टाइप का प्रोसेस यूज़ करते हो लेदर बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो यूज़ करते हैं तो हमें फाइबर से ज़्यादा हमें पाउडर की ज़रूरत होती है द रीज़न वाई वी यूज़ पाउडर हम पाउडर यूज़ इसके लिए करते हैं क्योंकि उसमें अपना को सीजनलिटी निकल जाती है जैसे कि अगर मैंगो को देखते हो तो मैंगो सीजनल क्रॉप है सो so आप बोलोगे कि हम मैंगोज़ कभी जून जुलाई या फिर नवंबर दिसंबर में हम मैंगो का लेदर कहाँ से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है कोई उगाता ही नहीं है नहीं सही नहीं। बात है कि नहीं सो so, उसका आंसर है हमारे लिए कि हम पाउडर्स यूज करते हैं आप पाउडर्स को हमेशा के लिए रख सकते हो पाउडर्स लास्ट फॉर दो तीन साल चल जाता है पाउडर्स उसके लिए इट वॉज लाइक कि अभी जैसे आम का सीजन है तो अप्रैल

एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जैक्टली तो अगर हमें वो मैनेज करना है तो हमें रॉ मटेरियल प्राइस पे ही रहना चाहिए एलोवेरा बताया तो एलोवेरा का भी पाउडर पाउडर एवरीथिंग एवरीथिंग वह कैसे चलता है कि हम जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा का हम स्किन यूज करते हैं वी डोंट यूज दी पल्प हाँ पल्प पल्प हम यूज नहीं करते लेकिन स्किन यूज करता है एलोवेरा का तो कैसा रहता है कि पाउडर बनाने के लिए वी ड्राई इट फर्स्ट हम ड्राई करते हैं एंड देन यू पलवराइज इट एक बार पलवराइज कर दिया तो उसका पाउडर बन गया एक बार पाउडर बन गया तो आप उसको स्टोर कर सकते हो एंड uh, इस प्रोसेस को थोड़ा और डीप में समझते हैं कि जैसे पाउडर बनने के बाद क्या प्रोसेस रहती है इसमें तो हम लोग चालू करते हैं पाउडर बनने के बाद हम लोग एक बेस फैब्रिक रहता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉटन हो सकता है या फिर आ, विस्कोस हो सकता है या फिर हेम्प हो सकता है इट यूजअली डिपेंड्स कि आपको कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है एंड देन बेसिकली वी टेक दिस पाउडर एंड देन वी मिक्स इट विथ ए बायोपोलीमर दैट वी हैव अवर प्रोपराइटर बायो पॉलीमर एंड फिलर्स फंडामेंटली दे आर फिलर्स दे आर बाइंडर्स आई यूज और उसको हम कोट कर देते हैं उसके ऊपर बैकिंग के ऊपर दैन वी टेक दैट थिंग एंड देन वी यूज टेक्शर प्लेट्स टू गेव द टेक्स्चर ऑफ लेदर अभी जैसे जो नॉर्मल लेदर बनता है एनिमल लेदर सो लाइक वो बारिश में ख़राब होता है तो mm. लाइक so, like, हमारा जो लेदर है बायो लेदर सो इट इज़ डिफरेंट फ्राम इट टू यस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और यस yes. सो so, हमारा जो बायो लेदर है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पी यू पी वी सी फ्री है दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट है ए पी यू इज़ पोलिथेन एंड पी वी सी इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड सो आज आप कोई भी लेदर भी ले लो आप लेदर से साथ ही साथ आप वीगन लेदर भी बोलते हैं लोग या फिर रेक्सिन भी बोलते हैं मार्केट में सो आप लेदर भी ले लो या फिर वीगन लेदर या रेक्सिन ले लो वो हमेशा पी या पी से कोट किया होता है विच इज़ बेसिकली प्लास्टिक एट द एंड ऑफ द डे सो वो जो कोटिंग किया रहता है उसके ऊपर उससे क्या हो जाता है कि इवन दो लेदर इज़ कंसिडर्ड बायोडिग्रेडेबल Mm -hmm. Right, but वो coating की वजह से it is not biodegradable. The same thing happens. Like paper cups also has exactly, inner layer of that. Exactly. Plastic. You have this plastic layer, so बिल्कुल बिल्कुल. वो लगता है कि हम sustainable बना रहे या हम biodegradable है, it's better for the environment. Yeah. But at the end of the day, there is plastic around the paper cup as well. Then like आपका production कहाँ पे होता है, means? मेरा uh, production होता है सूरत में. अच्छा, तो like आपने मतलब सिटी कैसे सिलेक्ट किया कि पूरे इंडिया में आपने मतलब आप जैसे अभी आपका मेन ऑफिस मुंबई में एंड hmm. आपका प्रोडक्शन सूरत में सो व्हाई डिड यू फोकस ऑन सूरत कि लाइक like जैसे हम लोग कंसीडर करें प्रोडक्शन वाइज जैसे टोमेटो hmm. हो गया hmm. या मैंगो हो गया तो मेजरली अबाउट टोमेटो हमारा साउथ इंडिया से आता है एंड मैंगो तो महाराष्ट्र में है ही सो लाइक वाई यू सिलेक्टेड गुजरात लाइक और दैट साइड वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट इट थिंग गुजरात इज वेरी गुड इफ यू वॉन्ट टू क्या अगर आपको फैक्ट्री डालना है तो गुजरात से बेटर स्टेट एज ऑफ राइट नाउ इंडिया में है नहीं द सिंपल रीज़न इज़ कि वहाँ पे आपको बहुत सारा फंड्स मिल जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से आपको फंड्स प्रोवाइड कर लेती है सेकेंड स्टाफ की रेगुलेशन इन गुजरात फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल यू कुड हैव द होल वट एवर थिंग यू आर रिक्वायर्ड

दैट इज़ द रोल यू कुट और आइसकोलेट किया तो इट रिफ्लेक्स बैक ऑन दवर्मेंट एम्प्लॉ एंड ऑल्सो दूसरा एक और तीसरा जो पॉइंट है कि ईको सिस्टम अभी समझो आपने मशीन लगाई वहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखो इंडस्ट्रियल सारी मशीन्स जो बनती है वो गुजरात में ही बनती है सो so, अगर आप किधर भी दिल्ली में भी प्लांट लगाते हो तो आपको मोरऑल ऐसा कि गुजरात से ही मशीनरी लेनी पड़ेगी और उसकी वजह से क्या फ़ायदा हो जाता है कि समझा अभी आपकी मशीन्स में कोई इश्यूज आ गया कि और एवरी टाइम होते ही है मशीन से एट द एंड ऑफ द डे इट्स फैक्ट्री सो कभी ना कभी इश्यूज आते हैं कोई पार्ट टूट गया कोई वेयर एंड टैर हो गया मशीन के ऊपर सो यू कुड हैव दैट रिपेयर वेरी इंस्टेंटली बिकॉज द मैनुफेक्चरर और जो मशीन बनाया है वो वहीं के वहीं है तो आपको और किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके रिगार्डिंग देन लाइक like, जैसे uh, अभी हर एक चीज़ का प्रोडक्ट का एक क्वालिटी भी इंश्योर करना पड़ता है तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो आ, जो रिमेनिंग पार्ट है हम वही रॉ मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी क्वालिटी चेक होता है पहले जैसे टोमेटो हो गया तो फिर इसका क्वालिटी भी मैटर करता है आपके पाउडर बनाने से पहले कि एवरी कैन बी टर्न इंटू पाउडर एवरीथिंग कैन बी टर्न इंटू पाउडर हम लोग का सिर्फ एक ही क्वालिटी चेक रहता है कि दे टमाटर जो है वो बिगड़ा हुआ नहीं हो सकता सो इफ़ देर इज़ अ रोटन टमाटो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते इट वो स्मेल वगैरह क्रिएट करता है सो so हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो ग्रीन टमेटोज हो गए या फिर लेस रेड टमाटोज भी आते हैं दे आर नाट वो मार्केट में नहीं बिकते या फिर कोई यार टेढ़े मेढ़े टमाटोज है <laughs> कोई नहीं, कोई day, नहीं नहीं। तो कोई लेता है लाल नहीं है तब गोल नहीं नहीं है है लाल सुन स्मेल नहीं है या फ्लेवर में कभी कभार इश्यू हो जाता है एवरीथिंग कुड बी गुड बट वो फ्लेवर नहीं है वो मीठा नहीं है टमाटर यार बहुत कट्टा आ रहा है तो वो हम टमाटर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू रॉटन दैट सिमिलर टू मैंगो एंड एवरी एवरीथिंग फॉर मैंगोज एंड एवरीथिंग वी यूज द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर अस देन फिर अभी जैसे आपका जो रॉ मटेरियल बन गया आप फिनिश प्रोडक्ट भी बनाते हो एंड यू आर सेलिंग इन बी टू बी एंड बी टू सी एज वेल बोथ थिंग्स तो लाइक उसमें आप कैसे करते हैं मतलब मेजर चंक आपका बी टू बी में सेल होता है कि बी टू सी में होता है हमारा मेजर बिजनेस बी टू बी में है और बी टू सी में वी हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड इन बी टू सी सेगमेंट लेकिन बी टू बी में भी जो हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वी आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट आरसेल्स वी आर गेटिंग इट मेड बाय अ थर्ड पार्टी सो so, हमेशा एक चीज़ याद रखने रहती है कि हमारा कोर ये क्या है कॉम्पिटेंसी क्या है कि हम किस चीज में अच्छे हैं तो अगर हम मटेरियल में अच्छे हैं तो हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे yes, mode, कि भाई हम लोग बायो, yes. बायो, बायो लेदर बना पा पाते हैं लेकिन हम प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बना पाएंगे तो हम उसको ढूंढ लेंगे जो प्रोडक्ट्स अच्छे बना पाते हैं और उसको हम रख लेंगे बिल्कुल प्लस प्रोडक्ट शुड बी बेस्ट एक्जैक्ट कि भाई सेल तो होना ही चाहिए अगर सेल yeah. ही नहीं होगा रेवेन्यू नहीं आएगा कैश फ्लो कैसे बनेगा एवरी थिंग ओके देन फिर अलग जैसे अभी आपका जो प्रोडक्ट है इट इज मोर इन टू प्रीमियम सेगमेंट ओके तो लाइक प्रीमियम प्रोडक्ट को मतलब परचेस कैसे होता है इंडिया में जैसे कि हम अभी आप एक्सपोर्ट भी करते हो hmm. तो अगर एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट अगर आप कोई मार्केट में उतारता है बी टू सी में नॉट अबाउट बी टू बी इन बी टू सी अगर कोई प्रोडक्ट उतारता है सो वॉट विल बी दी कंज्यूमर अप्रोच ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट जैसे अगर कोई बंदा है जो वेस्ट का है mm. उसका ही एक मेंटालिटी अलग होगी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट परचेस mm. करते समय एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट एंड अगर कोई इंडिया का बंदा है mm. तो उसकी मेंटालिटी अलग होगी सो वॉट यू थिंक अबाउट दैट मेंटालिटी पार्ट कि भाई कैसे डिफ्रेंश कर सकते हैं इंडियन पीपल इवन अगर वो रिच भी है फॉर एग्जाम्पल एफ्रेंट लोग भी रहते हैं तो वो लोग भी मोर ऑला साइकिले वेस्टर्न ब्रांड्स को प्रेफर करता है बट अभी का जो ट्रेंड हैबाउट इटर्स बट देर आर सेगमेंट्स देर आर सेगमेंट्स एंड देर आर क्लस्टर्स है पीपल के जो ये करते हैं इंडियन ब्रांड्स को परचेज करना एंड दैट्स वेयर यू फिट इन टू इट एंड इट्स मोर अबाउट द प्राइजिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया इफ़ यू लुक एट दैसट आप वेस्ट की तरफ देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट के ऊपर है इट्स मोर अबाउट पीपल लाइकिंग द प्रोडक्ट या पीपल को ये आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है कि नहीं क्वालिटी ओनली मैटर्स क्वालिटी ओनली मैटर्स एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रोवाइड गुड फिनिश गुड क्वालिटी गुड सर्विस इन वेस्ट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हिट बट इन इंडिया में क्या हो जाता है ना कि वी आर फ्रूगल बोल सकते हैं वी आर फ्रूगल इनिटली फ्रूगल मतलब हम स्टार्टिंग से ही हमें सिखाया जाता है कि बचाना चाहिए पैसे हमें बचाना चाहिए अगर आप भले ही रह चो तभी भी इफ़ यू आर फ्रॉम एफेंट प्लेसेस स्टिल इज द सेम थिंग कि यू ऑलवेज सेव द मनी और यू ऑलवेज स्पेंड ऑन समथिंग दैट यू ऑलवेज स्पेंड ऑन वेस्टर्न ब्रांड्स आप देख सकते हो लोग इंडियन ब्रांड्स में नहीं पहनते हैं मेजोरिटी उसको वेस्टर्न ब्रांड्स चाहिए लुविटॉन चाहिए शनैल चाहिए एट द एंड तो um,

वो लग्जरी ब्रांड का एक बंदा जब भी खरीदने जाता है फॉर एग्जाम्पल शनैल ले लो गुची ले लो लुई विटोन हाँ. तो उसका जो वैल्यू है उसका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है कि जो कस्टमर है जो खरीदने जा रहा है उसके आंखों में ये प्रोडक्ट क्या भाव में है लाइक परसेप्शन परसेप्शन इज इज मैटर उसके बारे में सोचता कैसे हाँ उसके बारे में वो सोचता कैसे है तो अगर आप देखो कि लग्जरी ब्रांड्स पॉट टाइम वो बहुत सारे मार्केटिंग में आप देखोगे तो दे यूज दे ट्राई टू चेंज अ परसेप्शन अबाउट द ब्रांड रादर देन सेल करते हैं समय प्रोडक्ट वो सेल नहीं करेंगे वो स्थाथ आपका एग्जैक्टली exactly, वो ब्रांड को आपको ये करवाएंगे कि भाई आप कन्विंस करवाएंगे कि आप, ये खरीदोगे तो आप लाइक अ प्रीमियम मेंबर जैसा दिखोगे एग्जैक्टली 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 लाइक दैट एंड सपोज़ अगर हम इसी चीज़ में जैसे अभी डिफरेंस तो है मैंटालिटी में ये तो समझ गया एंड इसी में अगर हम सस्टेनेबिलिटी भी ऐड करते तो जैसे अगर बाहर का बंदा है तो उसको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट सौ का है एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट वन ट्वेंटी रुपीज़ का है डॉलर्स का है तो लाइक वो रेडी होगा सस्टेनेबल प्रीफर करेगा बिकॉज यू नो कि भाई इसके ऊपर मतलब नेचर फ्रेंडली है तो बेटर है अगर सेम चीज़ हम इंडिया में कंसिडर करें तो क्या वो वो प्राइजिंग पे मैटर करेगा कि सस्टेनेबिलिटी पे मैटर करेगा वट विल बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ कंज्यूमर इन इंडिया फॉर इंडिया द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर विल बी ऑलवेज प्राइस इंडिया में सबको सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए वो चीज़ हमेशा ध्यान रखो आप सस्टेनेबल लाओ वो अच्छा हो गया लेकिन उसके साथ आपको सस्ता भी लाना इम्पॉर्टेंट है, है अगर आप सस्ता नहीं लाओगे अच्छा लाओगे तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे उसके लिए तो आपको अच्छा भी लाना है और साथ ही साथ सस्ता भी लाना है

तो आप डायरेक्टली आप कोई भी शिपिंग कंपनी से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत सारे शिपिंग कंपनीज़ है आप उसको कंटेनर लोड भी आते हैं सो यू कुड आप पूरा कंटेनर बुक कर सकते हो या फिर आप हाफ कंटेनर बुक कर सकते हो उसको बोलते हैं एलसीएल या लेस लेस देन अ कंटेनर लोड सो आप आइर एलसीएल में बुक कर सकते हो अगर आपका पूरा कंटेनर नहीं जाता है या फिर आप फुल कंटेनर कर सकते हो लाइक like so, वो सेम कंटेनर में दूसरे भी और कोई हाँ। डाल अच्छा अच्छा सो बेसिकली देर आर एजेंसी या फिर एजेंसी टाइप ही बोल सकते हैं जो एक कंटेनर पूरा बुक करता है और उसके अंदर आप मल्टीपल जेन के कंटेनर मल्टीपल जेन के प्रोडक्ट्स uh, डाल देते हैं वो जिसके डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन के लिए और वही एजेंसीज आपको हेल्प भी कर देंगे कस्टम्स और वगैरह क्लियर करवाने के देन फिर अगर हमारा बी टू सी प्रोडक्ट है So, तो B2C में आप दो मेथड्स कर सकते हो एक तो आप इंडिया से डायरेक्टली शिप कर सकते हो डायरेक्टली टू कस्टमर इट बी आप यूएस कर लो यूके कर लो ऑस्ट्रेलिया कर लो यू ए कर लो या फिर कोई और दूसरा कंट्री में भी कर सकते हो okay. आप हमेशा फेडेक्स यूज कर सकते हो मल्टीपल 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 है आप उसमें से किसी को भी यूज़ कर लो और आपका हो जाता है लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है कि आपका जो शिपिंग प्राइस और जो प्रोडक्ट प्राइस है और ये एंड प्रोडक्ट में आप कस्टमर को बेच रहे हो वो आपका मैच करना चाहिए शिपिंग प्राइस आपका ज़्यादा ना हो जाए प्रोडक्ट प्राइस से हमेशा एक चीज़ थम रोल है उसका कि शिपिंग प्राइस नॉट बी हायर देन दी प्रोडक्ट प्राइस एट द एंड ऑफ द डे इफ़ दैट गोज़ हायर देन इट माइट बी एन इशू व्हेन यू आर ट्राइंग टू आप उसको स्केल करते हो तभी वहाँ पे इश्यू चालू हो जा सकता है तो उसके लिए अभी हम लोग के पास दूसरा आ गया थ्री पी एल ओके थ्री पी एल ओके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फंडामेंटली सो आप क्या कर सकते हो अगर आपके पास एक बार आपने चेक कर लिया यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कि यू हैव इट अक्रॉस वाया डी टी डी सी या आप कोई भी एक यूज कर रहे थे अभी mm -hmm. तो अभी आपको मार्जिन बढ़ाना है आपके या फिर आपको अभी Uh, जो टाइम पीरियड है शिपिंग टाइम उसको कम करना है तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो और वो बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर यू एस ए देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्री हंड्रेड्स ऑफ कंपनी हु विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी और बेसिकली दे विल रेंट यू आउट एंड वेयर हाउस और वो वेर हाउस होगा आप, आपका जो स्टॉक्स है बल्क में परचेज कीजिए शिप में डालिए शिप में डाल के वो वेयर हाउस में डाल दीजिए तो जैसे बताया था लेस देन कंटेनर लोड लीजिए या फिर कंटेनर का कंटेनर लीजिए वेयर हाउस में डाल दीजिए अभी आपका जब भी कोई ऑर्डर आता है एक पीस के लिए तो एक आदमी जाएगा उधर यू में वो एक पीस लेगा उसको पैकेजिंग करेगा उसके ऊपर लेबल लगाएगा और वो वही लोग प्रोवाइड करेंगे कि को, को, जो भी बेस्ट कुरियर सर्विस है वहाँ पे जैसे कि यूपीएस हो गया या कोई भी एक एक्स वाई जेड बेस्ट सर्विस है उसके अंदर वो डाल के भी दे देंगे आपको ओके okay. तो आप ये सेम चीज एमेजोन वालों से भी करवा सकते हो अच्छा। आपको उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ अमेजोन एफ में डाला है तो आप अमेजोन में बेचो आप <laughs> अगर आपने ई पे भी बेच दिया या फिर आपके प्राइवेट वेबसाइट से भी

और दे हैव नेगोशिएटेड गुड रेट्स विद कैरियर्स दे हैव नेगोशिएटेड गुड रेट्स विद कैरियर्स एंड दे हैव ऑलरेडी हैव देयर ओन सिस्टम इन प्लेस एज वेल सो ऑलवेज अमेज़ॉन सस्ता गिरता है लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि लोग अमेजोन पे नहीं बेचना चाहते है. तो उसके जगह जब भी आपकी प्राइवेट वेबसाइट हो तभी अमेजोन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा उसके लिए दे कै आर फॉर यूजिंग अमेजोन एज थ्री पी एल और अमेजोन फॉर लॉजिस्टिक्स इज़ दैट यू यू टू देट टू बी एबल टू सेल इट ऑन अमेजॉन बट अगर आप अमेजोन पर सेल नहीं करते हो तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा एक like, थोड़े से एडवांटेजेस भी है डिसडवान भी exactly. है एग्जैक्टली एंड अगर कोई सिर्फ पर्सनल वेबसाइट है एंड ही और शी वॉन्ट टू लाइक ही इज़ इन डी टू सी प्रोडक्ट ओके एंड उसे इंडिया से सिंगल प्रोडक्ट ही भेजना है जैसे पोज इट सी हो जाता है mm. इट सी पे मोस्टली लोग जैसे हमने भी कॉलेज टाइम में क्या mm. ट्राई किया था कि देर इज़ वन आवर फ्रेंड इन यू एस ए तो हमें चीज़ें समझनी थी कि लाइक इंडिया से अगर कोई भी पार्सल जाता है mm. तो उसे कितना टाइम लगता है mm. तो हमने क्या क्या था एक हैंडमेड uh, वॉलेट बनाया था एंड हमें यह भी पता करना था कि इलेक्ट्रॉनिक गुड आइटम कैसे जाते हैं उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है कि नहीं सो वी जस्ट गो टू आवर पोस्ट ऑफिस एंड हमने वो सब बड़ा इंक्वायरीज वगैरह निकाले थे बट वहाँ इट्सी पर प्रॉब्लम ये हो गया था कि हमने लाइक इट इज़ मोर ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स कम्पलीटली इट सी इज मेड फॉर तो वहाँ पे हमने जब पोस्ट वगैरह फोटोज़ वगैरह जो अपलोड mm. किए थे प्रोडक्ट रिलेटेड तो विद इन अ वीक आवर अकाउंट वर्ड सस्पेंडेड दैट्स अनादर थिंग बट लाइक उनको लगा कि ये लाइक uh, बिकॉज like, हमने प्रोडक्ट भी मिकी माउस का बनाया था ओके okay. तो so, कंसर्न ये था कि डिजनी इज़ नॉट अलाउड टू एनीट कोई भी नहीं कर सकता है हाँ तो वो तो हमें समझ गया बट uh, ये चीज़ हमें समझ गई थी कि भाई इंडिया से भेज तो सकते हैं एंड पाँच छः दिन में हो जाएगा बट अगर हम इसे मास स्केल पे देखें जैसे सपोज कोई कंपनी ग्रो हो रही है जैसे hmm. आपकी ग्रो हो रही है hmm. तो वन वन प्रोडक्ट भेजना बेटर रहेगा कि अमेजन एफ या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू जब आप स्केल कर रहे हो तो हमेशा थ्री पी एल इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आप उसके अंदर रिटर्नस भी है वो मैनेज कर सकते हो अभी अगर आपने एक चीज़ भेज तो दिया उधर बट अगर फिर आप इंडिया में मंगाने जाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत हैवी हो जाएगा तो उससे बेटर क्या गिरता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा तो वहाँ से दर इज़ एडवाटेज ऑफ थ्री पी फर्स्ट एडवाटेजेज़ है कि आपको शिपिंग टाइम कम लगता है अभी किसी को भी अब अगर आप यू एस वगैरह में इफ़ यू आर टारगेट मार्केट इज़ यू एस और आप यू एस में बेच रहे हो तो यू एस में तो सेम डे डिलीवरी है और टू डे डिलीवरी है वन डे एंड टू डे डिलीवरी है एंड सेम डे डिलीवरी भी है अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है सो so, आपको यही समझना पड़ता है कि जो बंदा है या फिर जो कस्टमर है क्या वो पाँच दिन रुकेगा आपके प्रोडक्ट के लिए <laughs> तो फर्स्ट आपका जो सेल्स बढ़ जाता है क्या आप बोलते हो कि वी ऑल्सो प्रोवाइड वन और टू डे डिलीवरी सेकेंडली आप रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हो अगर अभी आपने बेच दिया वहाँ पर और आपके पास वहाँ पर वेयर हाउसिंग का कोई इशू नहीं है या आपके पास कोई आपके जैसा कोई फ्रेंड uh, या फिर कज़न नहीं है जो यू एस ए में आपको हेल्प कर सके तो अगर उसको पसंद नहीं आया फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोडक्ट तो वो रिटर्न कहाँ करेगा तो आपके लिए इशू हो जाता है और अगर आप यू एस से इंडिया का रिटर्न करोगे तो यू माइट लूज ट्वाइस द मनी प्रॉफिट तो दूर हो गया आपने तो दो गुना दो गुना पैसे के लॉस कर दिए तो उससे बेटर क्या हो जाता है कि आप हमेशा थ्री पी एल में क्या हो जाएगा कि अगर आपने भेज भी दिया तो दे ऑल्सो एक्सेप्ट द रिटर्न और फिर वही प्रोडक्ट को जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो दूसरे उसमें पैकेज करके दे ऑल्सो चेक द प्रोडक्ट्स फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज़ दे चेक द प्रोडक्ट्स की इज़ इट डैमेज और इज़ इट नॉट इफ़ इट इज़ डैमेज तो दे हैव ऑप्शन टू डि डिस्कारड और डिस्ट्रॉएड और गेट रेड ऑफ इट फंडामेंटली एंड सेकेंडली कि आपको अगर वो इज इफ इट इज इन अ गुड पोजिशन इज इट री सेलेबल देन देस बी एबल टू री स्टॉक इट फॉर अ स्मॉल फी एंड अगर सपोज अगर हम लोग बात करें फास्ट फैशन की mm. तो डिज़ाइंस तो हर मंथ चेंज होना है mm. तो फिर उसमें थ्री पी एल कैसे काम करेगा का? जैसे सपोज हमने एक एक बैच था हमारा जिसमें टेन डिफरेंट डिजाइन थे क्लोथिंग mm. के वो हमने उसको भेज दिया यूएस तो अगर वो वहाँ पे वेयर हाउस में पड़ा है एंड उसमें से सपोज अगर हंड्रेड पीसेस थे नाइन्टी पीसेस से लोग बट टेन आर देयर अगले महीने हमें फिर से न्यू डिज़ाइन भेजने हैं तो जो हर बार जो टेन डेड स्टॉक बच रहा है तो उसका वो क्या करेंगे आप उसके भी चार्जेस हमें देने पड़ेंगे कि कैसे रहेगा नहीं आप लिक्विडेट कर सकते हो अगर आपके पास दस पीसेस बच गया है तो देर आर लिक्विडेशन कंपनीज ओवर देयर इन स्टेट्स वो आपका स्टॉक खरीद लेगी एट अ चीपर प्राइस तो आपको वो बेयर ना करना पड़े और तभी भी एट द एंड ऑफ द डे वेयर हाउस में जो कॉस्ट रहता है वो बेयर मिनिमम रहता है आप वेयर हाउस का पर आई थिंक्स फॉर पर क्यूबिक फीट दे ओनली चार्ज अबाउट टू डॉलर्स अमाउंट दो डॉलर या तीन डॉलर लगता है बहुत सस्ता है तो हाँ मतलब सोचा जाए तो अगर हाँ अगर फिफ्टीन हंड्रेड या फिर वन थाउजेंड डॉलर का अगर प्रोडक्ट है दो डॉलर इ जब भी आप उनका जो रश टाइम रहता है फॉर एग्जाम्पल नवम्बर डिसंबर तभी आई थिंक सो वो भी बड़ा करके भी तीन या चार डॉलर हो जाता है तो आपको उतना बड़ा कॉस्टिंग का इश्यू नहीं आता उसके अंदर okay. दैन अगर हम बात करें अगर थ्री पी पे रजिस्टर करना है किसी कंपनी को तो फिर वो कैसे करना चाहिए मतलब उसकी कोई प्रोसेस रहती है एंड वो कोई भी कर सकता है आप जस्ट गूगल पे लिखे थ्री पी और कंट्री का नाम तो आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी आप कंपेयर कर लीजिए वो लोग के रेट्स एंड वच एवर सूट्स बेटर और जिसके रेटिंग्स अच्छे हैं रिव्यूज अच्छे हैं आप उसके साथ जा सकते हो यानी रफ आइडिया कि मतलब चार्जेस कितने लगते होंगे देन फिर Uh, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहती है उसको कितना टाइम लगता uh, है रजिस्ट्रेशन इज मोर लेस एक्चुअली फ्री सब जगह पे फ्री है फॉर थ्री पी एल चार्जेस दे उनका चार्जेस देखिए उनका जो चार्जिंग शीट्स रहता है वो कैसा रहता है स्पेस वाइज जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूमेट्रिक स्पेस वॉल्यूमेट्रिक वेट सो पर क्यूबिक फीट एक फीट बाय वन फीट बाय वन फीट का वो लोग चार्ज करेंगे दो डॉलर तीन डॉलर या वॉट अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ़ द प्रोडक्ट

उसका वो आप अलग से बे कर सकते हो यू कैन गो वायर थ्री पी एल पीपल और यू कूड है जैसे अभी आ, अभी आपकी कंपनी में इंडिया से यू एस में हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया कहीं भी हो गया फिर पेमेंट गेटवे कौन सा आप लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेपल और एनीथिंग एल्स वी यूज बट दैट्स फॉर ओनली बी टू सी अच्छा फॉर बी टू बी वीलवेज यूज बैंक 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 तो फिर बैंक में तो मतलब टाइम डिले भी होता होगा नहीं आप कौन सा बैंक यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा बैंक का क्या फॉरेक्स चार्जेस आता है सो so अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी यूज़ करते हो यू गेट सेम डे सेम डे सेम डे यू जस्ट सेंड दी डॉक्यूमेंट्स वो आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पूछेंगे और वो आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सबमिट करो एक बार लिस्ट सबमिट हो गया आपको पैसे तुरंत के तुरंत सेम डे आपके खाते में आ जाएंगे ओके okay. अगर हम बायो लेदर की बात करें तो लाइक आप कौन से कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं अभी बायो लेदर एक्सपोर्ट कर रही है कनाडा, यू एस ए यूरोप यूके ऑस्ट्रेलिया एंड द यू ए लाइक जहाँ पे भी रिच पीपल है बोल सकते हैं <laughs> या फिर जिनकी एफ्लुएंट जिनकी मतलब परचेस पावर ज़्यादा है तो आप वहीं पे कंट्रीज कि आप देखिए हमारा प्रोडक्ट भी प्रीमियम है अगर हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम है तो हमें वही लोग चाहिए जो बाई कर सके एट द एंड ऑफ द डे ओके साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड अगर इसका स्प्लिट देखें हम लोग कि मतलब अभी जैसे आपके हंड्रेड परसेंट सेल्स है तो हंड्रेड परसेंट सेल्स में से एक्सपोर्ट कितना होगा एंड इंडिया में कितनी सेल्स होती होंगी नाउ oh, right हमारा जो स्प्लिट है वो ऑलमोस्ट टू एसेंट एक्सपोर्ट है एंड इंडिया इज उसमें भी बी टू बी और बी टू सी में कितना डिफरेंस है एंड In India it's all B टू B, only B टू B. ओनली बी टू बी आई थिंक्स ओ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एट इज बी टू सी बट इट्स export स्मॉल एंड एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट इट्स सो एक्सपोर्ट में है ना इट वर्क quite differently. जो अभी जो एक्सपोर्ट चल रहा है ना हम लोग का तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि ग्लोबली मैनुफैक्चरिंग कैसे होता है तो अगर आप ग्लोबली मैनुफैक्चरिंग कैसे होता है आप देखोगे ना तो हम देख रहे हो कि हम अभी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं जो बंदा खरीद रहा है यूएस यूके या फिर कोई भी एक जगह पे उसको रॉ मटेरियल का काम नहीं है उसको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वो यूएस में बैठ के बना नहीं पाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है हाँ, वो चार्ज सही चारी बात है करेक्ट है।, है।, है तो वो बना नहीं पाएगा या अब यूरोप में तो भूल ही जाओ तो चलो बना भी लिया तो वो कोई बड़ी कंपनी होगी या फैशन लेबल होगा फैशन लेबल तो नहीं बट आई थिंक सो आर्टिस्टिक या लग्जरी लेबल होगा जो बना भी पाएगा अगर यूरोप में बनाता है बट अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी चाइना में चलता है बट अभी आप हम जो रॉ मटेरियल बनाते हैं अगर वो चाइना में बेचे तो चाइना में एक और इश्यू हो जाता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी है चाइना में <laughs> 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 तो आप इम्पोर्ट करते हो तो प्राइस ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव टाइम्स बढ़ जाता है वॉट एवर द प्राइज यहाँ का है उससे वन पॉइंट डेढ़ गुना बढ़ जाता है तो वो उनको नहीं परवड़ता है या फिर इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी ब्रांड उसका इकोनॉमिक्स कौन सा उनका स्केल भी कितना है उसका स्केल और mm -hmm. उसका इकोनॉमिक्स कैसा चलता है डेफिनेटली सो दी अदर बेस्ट वे दैट इज कमिंग आउट कि अभी इंडिया इज अ इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब और उसका रीजन सिंपल है कि हम लोग फर्स्ट हो गए हैं इन पॉपुलेशन सो वी हैव लेबर एडवांटेज इट्स बेसिक इकोनॉमिक्स हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो आपको लेबर चीप मिलने वाला है <laughs> <laughs> तो अभी क्या हो गया कि बहुत चैन जो है वो चाइना से निकल के दे हैव कम टू इंडिया सो अभी हम लोग का क्या हो जाता है कि सम माइट बी बाइंग इट फ्रॉम यू एस ए दे माइट हैव अ थर्ड पार्टी इन इंडिया हु विल मैन्यूफैक्चर इट एंड देन दैट थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इट अक्रॉस इफ दे आर नॉट बाइंग इफ दे आर नॉट बाइंग जस्ट द मटीरियल इफ दे आर the द मटीरियल द सेकेंड मेथड इज इफ दे माइट बी बाइंग मटीरियल एंड दे माइट वियतनाम में सेंड कर सकते हैं या फिर कोई भी वो जो साउथ ईस्ट एशिया है इट्स इट्सो वेरी हॉट स्पॉट फॉर मैनुफैक्चरिंग राइट नाउ या रियली रियली सो यू कूड गेट वेरी चीप लेबर इन वियतनाम फिलीपींस फिलीपींस आरशियस नॉट चीपर एज सच फ्रॉम चाइना बट दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ Uh, I think handmade वाले जो चीजें exactly. वो कि जो में, में, उनके में पास है। तो तो जो भी चीजें हैंडमेड वगैरह है वो वियतनाम फिलीपींस और वो सब जगह पे है और बिजनेस एथिक्स वाइज अगर आप चाइना का देखते हो तो चाइना इज कंसिडर्ड मर्की कंट्रीडर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन चाइना वो बोलेंगे आपको कुछ एक चीज और देंगे कुछ एक चीज जब भी आप चाइना से डील करते हो तो हमें नहीं। पता नहीं रहता क्या आने वाला है जब तक वो हमारे हाथ में ना आ जाए देट मेक्स सेंस एक्चुअली वहाँ पे ना मैंने एक अभी जैसे मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था जैसे अली बाबा डॉट कॉम हो गया या फिर तो वहाँ पे कैसा है एक uh, जैसे इंडिया मार्ट इंडिया में तो वहाँ जैसे अभी अली बाबा को हम लोग का टारगेट करें तो वहाँ पे एक ऐसी भी कंपनीज रहती है जो अली बाबा पे लिस्टिंग कंपनीज़ को वेरीफाई करती है हाँ देन फिर उन्हें ब्लूटिक वगैरह मिलता है एज सच इंडिया में कुछ नहीं बिकॉज यहाँ पे चलो

तो अगर आप चाइना में कभी भी डील करते हो तो हमेशा हमेशा मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार चाइना में हो होके आओ उनकी फैक्ट्री देख के आओ तो आपको आइडिया आएगा उसके बगैर आप मत डील करने अच्छा। बड़े क्वान्टिटीज़ में तो आई वुड नेवर नीवर रिकमेंडेड एंड अगर हम लोग जैसे अभी बी टू बी में आप सेल करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं पहले वो समझते हैं जैसे तो फिर एक्सपोर्ट में बी टू बी का क्लाइंट कस्टमर मिलता है कैसे आपको क्लाइंट देर आर डिफरेंट वेज यू कुड गेट इट वाया एस सी ओ या फिर मेरे वेबसाइट्स हम लोग लिस्ट करवाते हैं एस सी ओ में हर एक कंट्री में वी हैव गॉन आउट एंड ट्राई टू लिस्ट ऑन सर्टन की वर्ड्स कि जहाँ से हमें ट्रैफिक आ सकता है आप एड्स कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे थर्ड ऑप्शन इज़ टू ऑल्सो गो इन टू इवेंट्स आपको इवेंट्स रहेंगे बहुत सारे आप इवेंट्स वगैरह में जा सकते हो वहाँ पर mm -hmm. और दूसरा वर्ड ऑफ माउथ से आ जाता है That's... आप फॉरेन वगैरह में क्या सीन है कि वहाँ पे कम्युनिटी को ज़्यादा दे गिव वैल्यू कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो तो अगर आपका फ्रेंड को आपका प्रोडक्ट पसंद आया या फिर एक बंदे को पसंद आया तो वो क्या करता है दूसरे बंदे को बता देता है कह रहे आपको आप भी ढूंढ रहे थे तो आई हैव दिस गाय इज़ डूइंग गुड वर्क दिल रेफर इट टू अस इंडिया में तो मोस्टली वो फोन्स लेने भी होता है <laughs> मैं भी मेरा एक फ्रेंड है धवल सो लाइक मैं उसको कॉल करता हूँ भाई लैपटॉप लेना है भाई फोन लेना है सजेस्ट कर सो लाइक ही डायरेक्टली सेंड मी द लिंक भाई yeah. ये बेस्ट है इतने प्राइस रेंज में तो ले ले आग बंद कर सिमिलरली द बेस्ट मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और आई थिंक सो आप थोड़ा टाइम बिजनेस में रहते हो तीन चार साल के बाद वो ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाता है और फिर वो वहाँ से ही वर्ड ऑफ माउथ में निकल जाता है रेफरेंसेस के थ्रू ही आ जाता है आई बिलीव कि जो इवेंट में जाके जो मिलना है हाँ दैट वर्क्स बेटर यस सो दैट वर्क्स मोर बेटर दैन आप अगर एड्स करो या फिर वो एस सी ओ करो आप एक बार हो होबा मिल जाते हो तो हमेशा आप इंडिया में भी बिजनेस में देखो हमेशा आप हुआ हुँ मिलते हो तो ये बेस्ट रहता है कॉल्स एज अ सेकेंडरी ऑप्शन एन दर्ड ऑप्शन एज ई मेल्स तो द सेम थिंग अप्लाइज ओवर फॉरन मार्केट्स एंड जैसे अभी इवेंट्स भी अगर इंडिया के बाहर है इंडिया में ओके तो अगर हम जब बाहर जाते हैं और वहाँ जब डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ बी टू बी में हुँ, और जब बाहर का बंदा अंदर आता है इंडिया में वहाँ जो डिस्कशन होता है सो so वहाँ पर मतलब बात कैसे होती है कि मतलब अगर हम बाहर जा रहे हो तो हमारे पास में प्रोडक्ट का सैम्पल तो बहुत छोटा रहेगा हाँ ओके okay. तो हम लोग वहाँ पे कन्विंस कैसे करेंगे कि भाई हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है नहीं ऑल द दिंग्स सेम ही रहेगा सेम ही रहता है बेसिकली सेम आप कभी भी इंडिया के जो इवेंट्स इफ आपने इंडिया में इवेंट्स किए होंगे तो वो सेम टू सेम अप्रोच रहता है और उसके अंदर आई थिंक सो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आप जब भी आउटसाइड इंडिया के इवेंट्स करते हो कि अगर समझो आपने जर्मनी के इवेंट किया हैं या फिर कोई दूसरा हॉन्गकॉन्ग फेयर भी पकड़ लो आप हांगकॉन्ग में भी इवेंट कर सकते हो या जिधर भी लैंग्वेज बैरियर है ना तो हम रिकमेंड करते कि यू ऑलवेज हायर समबडी फ्रॉम दैट हाँ ट्रांसलेटर और मोरल ट्रांसलेटर कम सेल्स गाय और सेल्स पर्सन जो बेसिकली लोगों को आपके बूथ की तरफ लेके आए और हर एक कंट्री में वो आपको लैंग्वेज बैरियर दिखेगा और कल्चर का बैरियर दिखेगा तो वो तो बैरियर को बाहर निकालने के लिए या फिर ब्रिज करने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर लाना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह पे वो लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे जैसे जर्मनी फॉर एग्जांपल दिल्स ऑलवेज स्पीक जर्मन वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे आप इंग्लिश में कितना भी रट लो आपको नहीं पता चलने वाला उधर बट <laughs> अगर आपके पास उसके सामने एक जर्मन ट्रांसलेटर है या फिर जर्मन सेल्स पर्सन अपना हायर करा है वहाँ से तो आपको ईजीली मिल जाता है ओके दैट एंड अगर कोई न्यू बिजनेस मैन है hmm. अगर जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड ही वांट टू लाइक गेट क्लाइंट्स फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट तो उनके लिए मतलब स्टार्ट में कैसा रहेगा बिकॉज उनके लिए इवेंट जाना तो पॉसिबल नहीं है नहीं तो जो इंडिया में आएंगे हम लोग उनसे ही कर सकते हैं हाँ तो फिर और कुछ जैसे अभी मैंने बीच में सुना था इंडियन एम्बेसी से डेटा निकलवाना तो वहाँ से भी कुछ आ, मिल सकता है शायद या फिर आ, जैसे वोल्वो वगैरह जो सॉरी देर इज़ वन वेबसाइट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग वहाँ पे मतलब आ, जो क्लाइंट्स रहते हैं पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी के उनके डेटा रहता है देन उनको हम ई मेल लेना बातचीत करना उससे भी कन्वर्जेंस होता है तो अगर कोई इनिशियल बंदा अगर एक्सपोर्ट करने आ रहा है तो उसके लिए कैसा रहेगा क्या करना बेटर है तो अगर समझे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए तो मेरे हिसाब से द बेस्ट मेथड इज़ योर इंस्टाग्राम इज़ योर फ्रेंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका yes. सोशल मीडिया सारे फ्रेंड्स है लिंकटन इज़ योर फ्रेंड और अगर आप डेटा की बात करते हो तो आपको मैं बोलूँगा कि आप एम्बेसी से मत लीजिए उससे बेटर आपको क्या मिलेगा कि आप कोई भी है ना इवेंट्स में जाइए okay. कोई भी जो इंडिया में इवेंट्स होता है ना सोर्सिंग इवेंट्स तो आप वहाँ पर जाएंगे ना तो देर आर दिस पीपल हु सेल दैट डेटा फॉर दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर हाँ सो वहाँ पे हमेशा हर एक हर एक इवेंट में वहाँ पे एक जिनका स्टॉल रहेगा जो आपको डेटा सेल कर रहा रहेगा आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो दे आर मोर एस एक्टली वेरीफाइड डेटा सो आपको वहाँ से ईजीली मिल जाता है आप कॉल कीजिए वो लोग को आप मेल लिखे आई डोंट थिंक सो आप कॉल करो अभी एट इनिशियल स्टार्ट में आप मेल कीजिए वो लोग को उन्हें लिंकड पे आप रिक्वेस्ट डाली और पूछिए कि भाई हम ये इसमें डील कर रहे हैं आप इंटरेस्टेड हो okay. और फिर आप कॉल्स भी कर सकते हो वट्स भी कर सकते हो तो और एक बार रेपो बढ़ना चालू हो जाता है few, uh, few there, आप इजीली आगे बढ़ सकते हो उसके अंदर फिर तो नेटवर्किंग भी काम नेकिंग काम हो है। जाता है एंड देन आप ये इवेंट्स वगैरह में जा सकते हो और फिर आप एड्स चला सकते हो एस ओ आपको एड्स नहीं चलानी है एड्स महंगी हो जाती है आप हमेशा SEO कर सकते हो ऐसी okay, अभी okay. जैसे मैं मैं भी मतलब इवेंट्स में जाता हूँ काफ़ी जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह में इवेंट्स बहुत सारे होते हैं तो वहाँ भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि लाइक अगर वो बंदे को सेल करना है जैसे मैं तो अभी एज अ कॉलेज स्टूडेंट जैसे जाता हूँ मतलब तो वो बंदे लोग खुद आते हैं हमारे पास में कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है वाई डोंट यू ट्राई इट श्योर तो ट्राई करने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि हमारी क्वालिटी ऐसी है ये चीज़ वो डायरेक्ट सेल नहीं करते Hmm. वो पहले बताते हैं कि फीचर्स क्या है बाई वी आर हियर वो सब चीज़ें बताते हैं एंड उसके बाद अगर हम उसमें और इंटरेस्ट बताए देन दे आर गोइंग टू सेल टू स्टार्ट द सेल स्पीच या बट आप इनिशियली आप में सेल करना नहीं चाहते आप एक्चुअल में वो लोग के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो hmm. आप इनिशियली उनको डायरेक्टली आप बोल दोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आप बोल रहे हो कि भाई ये दस लाख का माल आप उठा लो तो, तो मुझे नहीं लगता कि पहली लेगा दस लाख का माल बिल्कुल आपको हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप इनिशियल कर रहे हो तो आप उसको सैंपल्स दोगे आप फ्री में सैंपल्स दोगे टू क्रिएट अ अब एक बार फ्री में सैंपल्स लिए उन्हें अच्छा लगा सेकेंडली आप प्राइजिंग पे आप आओगे कि भाई जो आप एग्जिस्टिंग प्राइजिंग में भी पाँच सौ रुपया किलो ले रहे हो या कुछ भी हो सकता है आप पाँच में ले रहे हो हम आपको साढ़े में दे देंगे फिर लैंडिंग कॉस्ट आता है फिर उसके अंदर आप देखते हो तो गारंटीज भी रहता है कि वी गारंटी दिस प्रोडक्ट विल नॉट फेल फॉर मे बी वन ईयर अगर फेल होता है तो विल टेक इट बैक एज वेल सो देर आर ट्रस्ट बिल्डअप जल्दी हो हाँ तो एक बार आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया mm -hmm. आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि आपके इंडस्ट्री में mm -hmm. कौन सा मेन इशू है oh. और फिर वो इशू अगर समझो आपके इंडस्ट्री में प्राइसिंग का एक बड़ा इशू है mm -hmm. तो आप प्राइजिंग पे वर्क करो और आप वो बेस्ट प्राइसिंग क्लाइंट को अवेलेबल कराओ अगर आपकी आ, इंडस्ट्री में क्वालिटी का इश्यू है तो आप क्वालिटी पे वर्क करो और उन्हें बेस्ट क्वालिटी दिलाओ। अच्छा तभी आप उधर कॉम्पीट कर पाओगे अगर आप उसमें से कुछ नहीं दे रहे हो और आप सिंपली जो है वही चीज़ बेच रहे हो कमोडिटी प्रोडक्ट कमोडिटी प्रोडक्ट बट वो भी चल जाता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या वो मार्केट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिल्कुल अगर वो मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है <laughs> तो आप कमोडिटी प्रोडक्ट में भी फेल हो जाओगे बट ऑफिशियली वो मार्केट ग्रो हो रहा है गुड सी जी आर इट इज पोस्टिंग गुड सी जी आर फॉर दैट प्रोडक्ट इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टिंग ओवरऑल सी जी आर ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट डेकेड और टू डेकेड्स देन वो आप डायरेक्ट कमोडिटी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो क्योंकि मार्केट एक्सपांड हो रहा है ना तो वहाँ पर गैप है तो आप उधर जाके ये कर सकते हो गैप फिल कर सकते हो Okay. तो जैसे आप अभी आंसर बता रहे तो उसमें एक ट्रस्ट का फैक्टर है हुँ. तो उस पर एक मैंने बात सुनी थी जैसे बहुत सारे बड़े पॉडकास्टर से कि इंडिया इज लाइक अ ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री यस तो लाइक व्हाट आर योर इनसाइड्स ऑन इट सो व्हेन वी से इंडिया इज ट्रस्ट डेफिसिट सो इंडिया में क्या हो जाता है कि जो कल्चर है ना वो चलता है कल्चर है अच्छा जो पहले से आ रहा है सदियों सभी उसे, <laughs> हाँ। रहे चलता है अगर अच्छा। समझे आपने कुछ इंडिया में कुछ ऑर्डर किया अभी कि भाई एक फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग इन बी टू बी टर्म्स तो आपने एक ऑर्डर किया कि भाई मुझे दस किलो एक्स चाहिए एक्स चीज चाहिए या फिर दस किलो वे कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ें आपको चाहिए चीज़ तो बंदा बोलेगा हाँ हाँ आपको मिल जाएगा पाँच दिन में रेडी हो जाएगा पाँच दिन के बाद कॉल करोगे सर नहीं रेडी हो अच्छा सर आपको और दो दिन में अब दो दिन के बाद कॉल करोगे बोलेगा नहीं नहीं और चार दिन लगेगा <laughs> तो आप बोलते हो ना वो एक इंडियन टाइम के हिसाब से पूरा इंडिया चलता है <laughs> मूड पे है जो मूड पर <laughs> आया वो कर वो लिया हम लोग ने बट वो वो ट्रस्ट एफिसट हो जाता है और फिर क्या हो जाता है कि अगर समझे आपने क्वालिटी का कुछ चीज़ मंगा है वो क्वालिटी सेम क्वालिटी आएगा वो भी चीज़ अपने को नहीं पता तो वो एक चीज़ भी ट्रस्ट वहाँ पर इशू कर लेता है लेकिन ये चीज़ जो चलता है एटीट्यूड जो है इंडिया में वो नहीं चलता जब आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर हार्म है प्रोसीजर है रेगुलेशंस हाँ। भी, भी, है अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बेटर नहीं रही इतने स्टार की रेटिंग नहीं है तो तो, <laughs> तो अगर आपका टाइमिंग नहीं बैठता है कि अगर यू हैव प्रॉमिस द टाइम फॉर थर्टी डेज एंड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर विद इन थर्टी डेज सो इट इज रिजेक्टेड या यहाँ से मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है मुझे लाइक like, कि हम लोग अलेवेथ ट्वेल्थ में थे आई थिंक तो लाइक आई एम नियर टू नागपुर दैट इज़ एंड ऑरेंज सिटी आई लिव इन वर्धा सो लाइक वहाँ कैसा हो गया था एक बार कि ऑरेंज के रेट्स बहुत uh, ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए थे एंड ah. वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी मतलब hmm. जो नॉर्मल जो ऑरेंजेस रहते थे उसे hmm. काफी बड़े साइज में देन आफ्टर वन एंड हाफ मंथ मैंने एक न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा hmm. कि जहाँ पे पता चला कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उनकी क्वालिटी में कुछ तो भी एक आ, कम ज्यादा हो गया था इसलिए उन्होंने बहुत सारे कंटेनर्स रिजेक्ट कर दिए थे देन लाइक like, मुझे पता चला कि भाई लिंक यहाँ कनेक्ट हो रही है एग्जैक्टली <laughs> exactly. वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था वो थोड़े इससे रह गया इसलिए उन्होंने इंडिया में ही सेल करना शुरू किया सो देन आई थिंक यार ये तो सही है <laughs> सही भी है और गलत भी है सही बात है बट आप ये देखो कि हम लोग एक्चुअली में जो बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है या फिर जो बेस्ट क्वालिटी है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इंडिया में ही कंज्यूम नहीं कर रहे वही तो द सैड सैड एंड इसके बाद अगर हम जैसे अभी आप मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल तो करती हो सो लाइक वॉट यू थिंक ट्रैवलिंग कितना इम्पोर्टेंट है एज अ यंग इंडिविजुअल इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इफ आप यंग हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है यू हैव द फंड्स एंड यू हैव द टाइम दैट इफ यू कैन रोम अराउंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा हर एक कंट्री विजिट करो या फिर आप एटलीस्ट इंडिया में तो इंडिया में आप इंडिया में जाइए घूमिए गु, जितना हो सके हर एक कंट्री या हर एक रीजन में अलग अलग चीज़ें चलती है जो आपको एक्सपोजर मिलता है जो ये कंट्रीज़ में या फिर आप अलग अलग रीजन्स में जाते हो वो hmm. तो आपके होराइजन्स को ब्रॉडन करता है तो उससे क्या है कि आपको आइडियाज़ नए नए आते हैं कभी कभार क्या हो जाता है कि कोई एक चीज़ समझे कोई एक एक्स या फिर यूएस में चल रही है अब सेम चीज़ ला के इंडिया में डाल सकते हो या फिर वो तो कर ही रहे हैं हम लोग बट तभी भी कोई कोई चीज़ हम इंडिया की लेके आप यूएस में डाल सकते हो या फिर कोई चीज़ आपको यू ए में अच्छी लग गई या फिर यूरोप में अच्छी लग गई इट कुड बी नॉट प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता इट कुड बी सम फॉर्म ऑफ सर्विस या फिर सम फॉर्म ऑफ कल्चरल नॉर्म जो आपको बहुत अच्छा लगा वो चीज़ तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एक बंदे के लिए जो यंग है वो घूमे जितना हो सके उतना घूमे डूइंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में आपको दो टाइम फ्री मिलता है एवरी सेमेस्टर के बाद यू हैव दैट वन मंथ या yes, फिर 15 yes, days का yeah. आपको छुट्टी टाइम रहता है राइट सो mm -hmm. so, मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा जब भी वो छुट्टी मिलता था मैं निकल जाता था <laughs> <सभी laughs> जिधर मिला उधर निकल जाओ अच्छा मतलब कि

सो <laughs> so, आप किधर जा सकते हो और आप एक्सप्लोर करो एटलीस्ट इंडिया से तो चालू करो और इंडिया के बाद आप किधर भी और जा सकते हो यस yes. नहीं तो फिर जैसे अभी रिसेंटली हमने एक बिजनेस आइडिया था जिससे hmm. हमारा क्यूरियसिन hmm. तो ट्रैवलिंग एंड गुड अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट यू आर वॉचिंग एग्जैक्टली आप रिसर्च कर रहे हो अगर आपको न्यू बिजनेस पे बनाना है तो लाइक दैट थिंग्स आर सुपर इम्पोर्टेंट अग्रीड एंड अभी और एक क्वेश्चन था जैसे बायो लेदर जो वर्ड है hmm. वो वर्ड आपने मतलब कैसे टारगेट किया बिकॉज <laughs> जो बायो लेदर hmm. एक टर्म भी है ah. जो सेल्फ सेल्फ डिफाइंड है ah. कि भाई बायो बायोलॉजिकली हमें लेदर है। बना रहे हैं एंड आपने वही वर्ड को डायरेक्ट खरीद लिया <laughs> So like क्या फिर आ, आपको बहुत पहले ही पता चल गया ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है हम लोग जब कॉलेज में यूज कर रहे थे ना सो हम लोग ने बोला था कि क्या किया जाए तो हम okay. लोग तभी कॉलेज में माइक्रोब्स से हम लोग लेदर बना रहे थे सो mm -hmm. so, हम लोग ने बोला कि माइक्रोब्स है तो क्या बायो है mm -hmm. तो हम लोग ने ऐसे ही बोल दिया था बायो लेदर है. <laughs> और फिर आईड थॉट कि भाई नोबडी हैज डन दिस नोबडी हैज टेकन दिस वर्ड नोबडी हैज टेकन दिस वेबसाइट एज़ वेल सो वी जस्ट वेंट ऑन इट एंड वी जस्ट वेंट हार्ड ऑन इट सिंपली

You are able to satisfy the customers. Mm -hmm. If You are not able to satisfy the customers, then you don't actually have any sort of a business at the end of the day. brand, even in for making branding and stuff, your goal should customer-centric. As long as you are able to satisfy the customer, providing mm -hmm. good experience, good product quality. Yes. What happens is.

पीपल डायरेक्टली कि हाँ हम लोग ने आपके पास ख़रीदा था हमें और मटेरियल चाहिए था तो आप प्लीज़ हमें हमें दे दीजिए तो mm -hmm. so, वो क्या हो जाता है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है mm -hmm. और दूसरा एक चीज़ कि आपको एक्सपीरियंस देखना है कि अगर आपसे मिस्टेक हो रही है सो यू एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड ट्राई टू रिजॉल्व द मिस्टेक आप जितना उसको ये करोगे

सो so, मेरा एक एक्सपीरियंस है अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है mm. लाइक एक एक क्लाइंट है हमारे mm. तो हमने उनके साथ लास्ट ईयर काम किया था वी हैव गिवन अवर बेस्ट सर्विस तो अभी वो एक साल से तो गायब थे बट mm. अभी उन्होंने फिर से हमें कॉल बैक किया लाइक दे वेयर की लाइक हम लोग अभी एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं एंड बिकॉज कि हमने निखिल भाई आपके साथ काम किया है mm. तो वी डायरेक्टली केम टू यू बिकॉज वी नो दैट कि ये टाइम लाइन में आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता एंड यू आर गोइंग टू गिव मी अ पर्टिकुलर सर्विस एंड अ गुड सर्विस सो लाइक

उनकी कंपनी दूसरी कंपनी थी एंड अनफॉर्चुनेटली दे क्लोज दैट ब्रांड ओके बट राइट नाउ दे आर ऑन नेक्स्ट लेवल लाइक लेवल दे हैव लॉट्स ऑफ फंड एंड वी आर मैनेजिंग देयर फंड दैट्स गुड ना तो लाइक वो एक बहुत सही लगता है एंड सेकंड चीज जो बनती है कि वर्ड ऑफ माउथ वो मतलब अभी जो फाउंडर्स रहते हैं उनका नेटवर्क भी नेक्स्ट लेवल का रहता exactly. है तो वो वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए ज्यादा काम करता है कि भाई hmm. इन्होंने हमारे साथ और चीज़ से काम किया तो आप भी इनसे करवा सकते हैं लाइक लैदर दैन टेकिंग दैट टेस्टी और फीडबैक दे आर डायरेक्टलीपल सामने से बोलते हैं कि यार mm -hmm. अरे आपने इसका देखा था आप ढूंढ रहे थे अरे आई है वो एडवर्टाइजिंग अच्छा करते हैं या फिर वो क्रिएटिव अच्छा बनाते हैं mm -hmm. या फिर वो फॉर एवर कैसे लेदर अच्छा बनाता है तो आप ले सकते हो उनके <laughs> पास ले एंड yeah. uh, अभी जैसे लेदर इंडस्ट्री है mm. या फिर uh, जो सस्टेनेबिलिटी का जो मार्केट है वो यू थिंक फ्यूचर में मतलब कैसे ये ग्रो करेगा बिलिटी राइट नाउ इज अ वेरी माइक्रो लेवल ट्रेंड अच्छा वो माइक्रो लेवल ट्रेंड नहीं है अगर आप देखो तो हर एक एमएनसी से लेके छोटी से छोटी से कंपनी लेके बड़ी से बड़ी कंपनी hmm. आज सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में थिंक कर रही है जो इज लाइक कार्बन एवरी कार्बन फ्रूट प्रिंट इट्स वाटर वॉट इज द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आउट ऑफ एट सो हर एक हर एक और हर एक कंपनी वो उसके बारे में यूज कर देख रही है बट उसका रीजन भी है आप देखो कि आप अभी देखो क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है mm -hmm. अभी आप देखो आ, क्या ऐसे ही बारिश हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है आप देखो ये टाइम की हीट इट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट इन इंडिया हर साल बढ़ती जा रही है और हर साल बढ़ती जा रही है बारिश भी, भी कभी सडनली कहीं भी आ जा रही है कभी भी आ जाती है, है। कभी अक्टूबर नवंबर में भी बारिश आ जाती है <laughs> जो पहले अनहर्ड था <laughs> कैसा नहीं होता था कभी भी ये टाइम भी आप देखो गर्मी कितनी पड़ी थी आई थिंक सो सम प्लेसेस वर ऑलमोस्ट 47 50 डिग्री व्हिच इज इंपॉसिबल किसी ने सोचा नहीं था 5 साल पहले इतना होगा तो क्लाइमेट चेंजेस बड़ा चीज है अब ऐसा क्लाइमेट okay. चेंज को हल्के में लेने का कोई मतलब नहीं होता सो एवरीबडी नोज दैट दिस इज द प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो दिस वाटर यूज एंड ऑल दैट साफ सो आवर गोल इज टू रिड्यूस इट क्लाइमेट चेंज कल का कल नहीं जाने वाला उसको टाइम लेगा तो वो लॉन्गर टर्म ट्रेंड हो गया है वो इसके लिए वो मेजर ट्रेंड हो गया है एज कम्पेयर टू माइनर ट्रेंड की तरह आई बिलीव कि जैसे अभी इंडिया की जो ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से अगर सस्टेनेबिलिटी को समझे तो लाइक इट विल बी अराउंड वन और फाइव परसेंट हार्डली फाइव परसेंट भी नहीं होगा शायद। Agreed. क्योंकि हमारे पास अभी रेगुलेशन एंड रूल्स ही नहीं बने स्ट्रिक्ट रूल्स कि भाई कंपनी का वाटर डिस्चार्ज या वेस्ट वाटर डिस्चार्ज को यूज़ कैसे करना चाहिए रिसाइकल कैसे करना चाहिए वो सब चीज़ें अभी तो बनी ही नहीं है सो आई बिलीव की जब हमारा हंड्रेड इंडिपेंडेंस रहेगा लाइक इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल थिंक यहाँ पे सब चीज़ें सेटल्ड हो इट इज इंडिया में क्या चीज़ है कि इट्स मोर अबाउट इंडिया में क्या हो जाता है कि इंडिया इतना वास्ट है ना तो इसके लिए क्या हो जाता है कि रूल्स तो बने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के ऊपर व्यूज रूल्स बन चुके हैं उसके पैरामीटर्स भी है कि आप डिस्चार्ज इतना नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते आप कार्बन का उसके ऊपर भी रूल्स है कि अगर आप इतना एमिशन करते हो तो सामने आपको इतने झाड़ करना है पेड़ लगाने पड़ते हैं वो भी फैक्ट्रीज में हर एक जगह पे है आई थिंक सो टेन या ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द फैक्ट्री उसमें जाड़ लगने ही इंपॉर्टेंट है वो एक चीज है आई थिंक सो बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब ये लोग वो रूल्स फॉलो नहीं करते

ध्यान रखिए कि जो आपने सस्टेनेबिलिटी में अपने स्टार्टअप चालू किया है तो उसके जो आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो वैल्यूज़ रखे हुए हैं वो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि मार्केट में आपको बहुत जिन मिलेंगे आपको प्राइजिंग की वजह से बोलेंगे आप वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए बट मेरा एक ही एडवाइस रहेगा जो नया चालू करता है आप वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए यू ऑन टू द वैल्यूज एंड दैट्स कॉन एक्चुअली गिव यू मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स सो प्रितेश भाई मुझे और एक क्वेश्चन था कि लाइक like, सोशल मीडिया से कोई न्यू स्टार्टअप या बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है इनिशियली अगर उनके पास बजट कम है सो हाउ दे कैन वर्क ऑन इट ये तो मुझे आपको पूछना चाहिए <laughs> आप एक्चुअली में सोशल मीडिया के मास्टर्स बट <laughs> 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 तभी भी मैं बता देता हूँ आई थिंक सो फॉर फाउंडर राइट दिस बैक साइड्स तो आप पूरा का पूरा स्टार्टअप है ना mm -hmm. आप पूरा ऑनलाइन बिल्ड कीजिए आप वो अप्स एंड डाउनस दिखाइए कि आप कहाँ पे क्या टक रहे हैं कहाँ पे आप इश्यूज हो रहे हैं आपको और कहाँ पे आपको विन्स भी मिल रहे हैं तो आप विन्स एंड अप्स एंड डाउन्स वो पूरा जर्नी आप जब भी शेयर करते हो सोशल मीडिया पे दैट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट सो आप सोचो कि जब भी आप ऑडियंस को आप ये दिखाते हो कि आप ये बना रहे हो हुँ. तो ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बना रहा है सो yeah, yeah. so, आपको वो सपोर्ट एंगल मिल जाता है उसके अंदर एंड यू ऑल्सो कनेक्ट विद एंड लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल टू हेल्प यू आउट लाइक बंदे ने देख लिया क्या थी हाँ, so, like, उनका ट्रस्ट जल्दी ट्रांसपेरेंसी बन गया और उसके पास आपको ट्रस्ट भी क्रिएट हो गया लोगो के साथ में सो इट्सरेंसी इट्सो गुड इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग भी बता रहे हो और वो ट्रस्ट भी एक बॉन्ड जैसा बन जाता है सो so आप लोग वे वे मतलब में भी सेम प्रोसेस फॉलो कर कर रहे रहे अभी हम चालू हैं एट दिस पॉइंट ओके ओके सो लाइक पहले तो प्रोडक्शन वगैरह के बारे में वीडियोस डालो मतलब कंपनी कैसे कर रही है मेजर उनके पिलर कौनसे जिसपे कंपनी स्टैंड करती है आपसे बहुत सारे इनसाइट्स मिले होप्सो कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत पसंद है तो लेट्स एंड दी पॉडकास्ट यॉर थैंक यू थैंक यू यू थैंक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना एंड बी क्यूरियस ऑफ दिस